वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशियान एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मेरा थर्ड डे है और थर्ड डे हम आए हैं किष्किंधा नगरी। किष्किंधा सुन के आपको किसकी याद आ रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं अगले स्टॉप में बता ही दूंगी किष्किंधा नगरी क्या है, किसका है, क्या है, कैसा है। सो यस, हम किष्किंधा नगरी आए हैं और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है चिंतामणि मंदिर जो कि राम जी का मंदिर है। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी जैसे मुझे पता चलता रहेगा मैं बताती रहूँगी, बट अभी तो मेरे पीछे का आप नज़ारा देखिए, व्यू कितना प्यारा व्यू है। मेरे पीछे बह रही है तुंगाभद्रा नदी, जो तुंगा और भद्रा नदी को मिलके बनती है तुंगाभद्रा नदी, और इतना सुकून इतना शांति मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मैं इस साइड भी दिखा देती हूँ, ये मेरे पीछे मंदिर है और इस साइड पूरे रॉक रॉक। तो आगे का मैं आपको बताती रहूँगी, जैसे जैसे मुझे भी पता चलता रहेगा मैं दिखाती रहूँगी। तो थर्ड डे हमारा लास्ट डे था स्टे का। हमने उठ के अप्पू टिफ़िन सेंटर से नाश्ता किया, जहाँ बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है इन बजट, और उसके बाद हमने फिर चेकआउट किया और सारा सामान अपना ऑटो में ही डाल दिया क्योंकि हमें यहाँ वापस नहीं आना था, हम घूमने के बाद सीधा स्टेशन ही निकल जाते। और आज हमारा ट्रिप है नदी की दूसरी साइड और उसके लिए हमें वो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। नदी पार का ये इलाका अपने हिप्पी आइलैंड के लिए फेमस हुआ करता था, जहाँ पर मोस्टली फॉरेनर्स और बैकपैकर्स आया करते थे। बट 2019 में हिप्पी आइलैंड पूरा डिमोलिश कर दिया गया, जिस वजह से वहाँ सिर्फ खंडहर ही बचे हैं। सबसे पहले हम आए हैं चिंतामणि टेम्पल, जो कि अनेगुड़ी नाम के एक गाँव में है। वैसे तो ये टेंपल भी बाकी मंदिरों जैसा ही सिंपल सा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ की चीज़ें रामायण से कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। यहाँ हमें मिला चेतन, जिसने हमें मंदिर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। मेन प्लेस गुफा है, क्या है इधर? चामुंडेश्वरी का मंदिर है। क्लोज है वो भी। हनुमान जी और राम जी के पैर जहाँ पे यहीं पे खड़े होके उन्होंने बाली पे बाण चलाया था, यहाँ से बाण उन्होंने वहाँ चलाया था बाली के वध के लिए। ये नदी पार करके गया था राम जी का बाण, और वहाँ उस पार भी एक मंदिर है। अब लेके चलती हूँ उस गुफा में जहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी चिंता करते थे, इसलिए इस जगह का नाम चिंतामणि पड़ा। चिंता करते थे कि कैसे सीता जी को रावण के चुंगल से छुड़ाया जाए। तो अब मैं उस गुफा में लेके चलती हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे वो सारे बैठ के चिंता विमर्श करते थे कि मतलब कैसे क्या किया जाए, उनको कैसे निकाला जाए रावण के चुंगल से। ये पेंटिंग भी यही बता रही है कि ये लोग कैसे आपस में विचार विमर्श क्या करते थे, बातें करते थे कि कैसे निकाला जाए सुग्रीव, जामवन, श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री हनुमान जी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैंने ये सब देखा है खुद से। और सबसे अच्छा तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि शायद लोगों को पता ही नहीं है इस जगह के बारे में। तो चिंतामणि के बाद हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। मैं बताना भूल गई कि हम एक्चुअली फेरी से रिवर क्रॉस करने वाले थे, बट क्योंकि बारिश का मौसम है तो पानी ज़्यादा था रिवर में, इसीलिए हमें ऑटो के थ्रू आना पड़ा। फेरी से आते तो ज़्यादा सस्ता भी पड़ता और टाइम भी कम लगता, बट ऑटो से 30 किलोमीटर था फ्रॉम हम्पी। सो आफ्टर चिंतामणि हम आए हैं पंपा सरोवर, जो कि जस्ट मेरे पीछे है, लेकिन यहाँ पर कुछ काम चल रहा है इस वजह से अभी ऐसा पड़ा है। या अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं कोई शबरी आश्रम है, इसमें जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लक्ष्मी मंदिर और शबरी आश्रम के लिए आए थे, लेकिन ये मंदिर इतने पुराने हो चुके हैं कि उनको तोड़कर फिर नया बनाया जा रहा है, तो हम मंदिर तो नहीं देख पाए,
लेकिन यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बना हुआ था तो हम ऊपर चढ़ के व्यू पॉइंट पे चले गए। इसके बाद हम आए हैं अंजनाद्री, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था किष्किंधा नगरी के बारे में, तो हम पहुंच चुके हैं किष्किंधा नगरी, जो कि रामायण के समय पे वानरों का प्रदेश हुआ करता था, जहाँ सुग्रीव, बाली, हनुमान जी सब रहा करते थे। और अब हम जा रहे हैं हनुमान जी की जन्म स्थल पे, जो कि माटुंगा पर्वत पर है। तो वहाँ पहुँचने के लिए 575 सीढ़ियाँ चढ़नी है, और अभी हम स्टार्ट ही कर चुके हैं, 5-10 सीढ़ियाँ चढ़े हैं, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने जो स्टार्टिंग यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट करनी है। कहाँ है मंदिर? तो हम अप्रॉक्स 200 स्टेयर्स चढ़ चुके हैं, अब पता भी नहीं चला, मुझे लगा बहुत मुश्किल होगा, बट पता भी नहीं चला, अभी 300 और 375 मोर। भाई तू बोल, कैसा लगा तुझे सीढ़ियाँ चढ़ के? पता भी नहीं चला रहे, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। और गर्मी, बहुत गर्मी हो गई है यार, बट ऊपर से व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, तो जाना बनता है। और दूसरा हनुमान जी का जन्म स्थल है। जय श्री राम, जय श्री राम। अंजनेत्री हिल्स अनेकोड़ी गांव के बीचों बीच पड़ता है। ये हनुमान जी का जन्म स्थल है। उनकी माता का नाम अंजना, तो हनुमान जी को अंजनेय भी बोलते थे, और इसीलिए इस पर्वत का नाम अंजनेत्री हिल्स पड़ा। हम मंकी किंगडम में हैं, तो ये नजारे तो देखने को मिलेंगे ही। फाइनली 575 स्टेयर्स चढ़ के हम आ गए हैं हनुमान जी के जन्म स्थल। तो ये है पीछे मेरे हनुमान जी का छोटा सा मंदिर, जहाँ उनका जन्म हुआ था, यहीं वो पले बड़े थे। और यहाँ पे इतने सारे, या कह लो वानर हैं। मंदिर के अंदर रॉक से कार्व की हुई हनुमान जी की मूर्ति, राम, सीता और अंजनी माता की मूर्ति देखने को मिलेगी। मंदिर के बाद अब चलते हैं सनसेट व्यू पॉइंट पे। वैसे हम दिन के टाइम गए थे, तो सनसेट का तो सवाल ही नहीं था। और दो दिन से यहाँ पे बादल इतने छाए हुए हैं कि सनसेट तो क्लियर से दिखता ही नहीं, लेकिन सनसेट के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ देखने लायक था। शायद कैमरे में यहाँ की सुंदरता अच्छे से ना दिखी, बट नेकेड आई से ये बहुत सुंदर जगह थी। हनुमान मंदिर से थोड़ा सा ऊपर ही है, मतलब वहीं से होते हुए रास्ता जाता है इसका। और मेरे पीछे आप देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, मतलब चारों तरफ और लोग भी हैं जो दूर दूर तक है। और यहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मतलब पता ही नहीं चल रहा गर्मी है धूप है क्या है, इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मौसम का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। चलो अब हिल से निकलकर हम लेक की तरफ चलते हैं। नहीं, ये लेक नहीं है, हम जाएंगे सनापुर लेक। सो
फाइनली हम आ गए सनापुर लेक। आपने रील्स में, वीडियोस में, फोटोज में, इंस्टाग्राम पे बहुत जगह देखी होगी कि कोराकल राइड होती है, तो हम यही करने आए हैं। तो मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे को ऐसे पानी से डर लगता है, और ये जो बोट है, बट ठीक है, लाइफ जैकेट सब कुछ सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, तो चलो। हमने 800 रुपये में कोराकल राइड बुक करी, जो कि 15 से 20 मिनट की राइड थी। इन्होंने पहले 1200 रुपये बोला था, लेकिन फिर हमने बार्गेनिंग करके 800 रुपये लगवाया, जो कि वर्थ था, क्योंकि मैंने जितनी वीडियोस देखी थी पहले भी उसमें भी इतना ही था, तो इतना मुझे ठीक लगा। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि हमारी आधी कोराकल तो पानी के अंदर ही थी। और थोड़ी देर बाद मैं यहाँ सॉन्ग सेलेक्ट कर रही हूँ हमारी राइड को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए। हम कर रहे हैं कोराकल राइड। इतना अच्छा लगा, डर तो लग ही रहा है, बट हाँ सेफ्टी है, कुछ पता नहीं कितना सेफ है, बट हाँ डर लग रहा है, लेकिन बहुत मजा भी आ रहा है। इतना ठंडा, इतना अच्छी हवा चल रही है, ठंडा ठंडा पानी, इतना ठंडा है। अब हमारी राइड यहीं ख़त्म होती है। हमने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई और फिर हम निकल गए डायरेक्ट स्टेशन के लिए। हमने रास्ते में कमलापुर लेक भी देखा, जहां से पानी जाया करता था रॉयल इनक्लोजर में। रॉयल इनक्लोजर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरा हम्पी ट्रिप का डे 2 ज़रूर देखना, उसमें आपको रॉयल इनक्लोजर की चीज़ें पता चलेंगी। और अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन, और इसी के साथ मेरा ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। हमारे 3 दिन हम्पी में बहुत ही अच्छे बीते, और हम्पी बहुत ही सुंदर जगह है विजिट के लिए, एक अलग ही दुनिया मिल जाएगी आपको। तो हम्पी को दिल में रखते हुए मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।